नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक की डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 11th की पॉलिटिकल साइंस यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसको चला रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि किस तरीके से संविधान निर्माण किया और उसके बाद में हमारा जो दूसरा चैप्टर चल रहा था कि संविधान में अधिकार यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कौन कौन से हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और इस श्रेणी में हमने बच्चों बात की थी कि मूल अधिकारों की है वो हमें इन मूल अधिकारों का महत्व क्या है, इन मूल अधिकारों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चीज़ हमने देखी थी। मूल अधिकार हैं वो किसे कहते हैं, और भारत के संदर्भ में देखा कि मूल अधिकार हैं वो किस तरीके से जो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और उस औपनिवेशिक सत्ता के दौरान है वो बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन संचालित हुआ। फलत हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो नेतृत्व करने वाले हमारे नेता थे उन लोगों ने मांग रखी कि जो भारतीय जनता निरंतर है वो अधिकारों की मांग कर रही, तो उन्हें अधिकार दिए थे, उनके कुछ मूलभूत अधिकार उन अधिकारों को दिए थे। हमने देखा था 1928 के जो मोतीलाल नेहरू समिति की एक रिपोर्ट है, मोतीलाल नेहरू समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें बताया कि नागरिकों के लिए मूल अधिकार होने चाहिए। मूल अधिकार क्या, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन जीने हेतु आवश्यक है और उन अधिकारों के बिना है वो व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता, तो वे मूल अधिकार। हमने देखा इसमें यह भी चीज देखी थी कि मूल अधिकार हैं वो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत क्या स्थिति, दक्षिण अफ्रीका का एक उदाहरण मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरीके से है वो मूल अधिकारों की व्यवस्था की। मैंने बताया था कि 1948 के अंतर्गत है वहां पर रंग भेद की नीति लाई गई थी, फलत अलग अलग लोगों के जो रंग यानी उनका रंग चमड़ी के रंग किस प्रकार का उसके आधार पर लोगों को क्या किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था चमड़ी के रंग के आधार पर, कौन सा, या तो श्वेत व्यक्ति है सफेद रंग का या फिर जो अश्वेत यानी काले रंग का और सांवले वर्ण के भारतीय और सांवले वर्ण के, इनके आधार पर अफ्रीका के अंतर्गत नागरिकों के साथ भेदभाव हुआ। फलत लंबे समय तक वहां पर एक आंदोलन चला नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में और 1994 में जाकर वहां पर जो रंगभेद की नीति थी उसको समाप्त किया और क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है वो संविधान लिखा गया और लोकतंत्र है वो कायम हुआ, लोकतंत्र कायम हुआ तो संविधान लिखा गया और संविधान लिखे गए तो संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का है वो उल्लेख किया गया, किसका अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया कि एक व्यक्ति के लिए है वो किस तरह के अधिकार होने चाहिए, उस व्यक्ति के लिए गरिमा का अधिकार की बात की हमने, ठीक है, फिर बच्चों के लिए बाल अधिकारों की है वो बात की, बाल अधिकार, पर्यावरण के लिए कुछ एक अधिकार है वो अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा दिए हुए हैं, ठीक है, लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा की क्या व्यवस्था होगी उसका उल्लेख किया गया, शिक्षा है स्वास्थ्य या चिकित्सा को एक ही बात, तो दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या स्थिति है उसको हमने कल की जो हमारी पिछली क्लास में हमने देखा गया था। आज हम देखेंगे प्यारे बच्चों के हमारे जो भारतीय संविधान के अंतर्गत हैं वो किस तरीके से मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई और यदि व्यवस्था की गई तो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमें दिए गए हैं ताकि हम अच्छी तरीके से अपने जीवन को हैं वो जी सके, क्यों, क्योंकि मनुष्य होने के नाते आपके कुछ अधिकार हैं तो उन अधिकारों का आप अच्छी तरीके से हैं आपको मिलेगा तो ही आप जीवन को अच्छी तरीके से जियोगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम हमारे जो मूल अधिकार है कहाँ पर, भारतीय संविधान में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए, कल तो हमने दक्षिण अफ्रीका के पढ़े थे कुछ उदाहरण के द्वारा, आज भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए जो मूल अधिकार है उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए तो मूल अधिकार हैं वो हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए हुए, कौन से भाग में, भाग 3 में दिए हुए, भाग 3 के अंतर्गत यदि देखा जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक है वो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। यदि मूल संविधान में देखा जाए तो हमारे 7 मूल अधिकार थे, कितने थे, 7 हैं वो मौलिक अधिकार थे, लेकिन कालांतर के अंतर्गत है एक मूल अधिकार को घटा दिया और अब कितने बचे हैं, 44 में संविधान संशोधन लाया गया और संविधान में हमने क्या किया, संशोधन किया, क्या किया, संविधान में हमने संशोधन किया, कब, 1978 के अंतर्गत जनता पार्टी की सरकार थी, एक संविधान में संशोधन करके इस समय एक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार था उस संपत्ति के अधिकार को है वो हटा दिया गया, कब, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को
एबोर्ट इसके लिए समाप्त कर दिया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हैं, वो प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति के लिए कौन कौन से अधिकार होंगे। तो हमारे जो दिए हुए हैं उसमें तकरीबन 6 के आसपास हैं वो मूल अधिकार दिए हैं। कितने दिए हुए हैं? 6 के आसपास मूल अधिकार दिए हुए हैं। उसमें पहला हम देखेंगे कि आपका है वो समानता का अधिकार, कौन सा है? समानता का। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का, यानी समानता के अधिकार में ये उल्लेख दिया गया है कि सभी व्यक्ति हैं वो कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कोई स्त्री है या कोई पुरुष है या कोई बच्चा है या कोई अमीर है या कोई गरीब है या कोई उच्च जाति का है या कोई निम्न जाति का है, कोई दलित है, कोई शोषित है, कोई पीड़ित है, किसी भी तरह का है। कॉन्स्टिट्यूशन कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे और कानून इस तरह से कार्य करेगा ताकि समाज के अंतर्गत समानता स्थापित हो सके। तो समानता का राइट दिया गया। दूसरा दिया गया है कि स्वतंत्रता है वो बनी रही, नागरिकों को स्वतंत्रता के हैं वो अधिकार दिए गए ताकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन है वो जी सके। तो दूसरा दिया हुआ हमारे कौन सा? स्वतंत्रता का दिया हुआ है और ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद है वो 22 तक दिया हुआ है। तीसरा जो हमारा मूल अधिकार है वो दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहे हैं तो उस शोषण के विरुद्ध है वो आपको अधिकार दिया हुआ है और ये आपके आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंतर्गत उल्लेख किया हुआ है। यानी कोई व्यक्ति आपको बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, आपका निरंतर शोषण कर रहा है, 6 साल 14 साल तक के बच्चों को हैं वो खतरनाक कारखानों में काम करवाया जा रहा है, तो उनका शोषण हो रहा है और इस शोषण जैसी गतिविधि को रोकने के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकार दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उससे ही व्यक्ति की क्या है शोषण होने से उसको बचाया जाए। तो इसमें लिखा गया कि 23 में लिखा गया है कि बलात् बेगार श्रम से निषेध, यानी बलपूर्वक किसी का है वो आप उनसे काम नहीं करवा सकते, बलपूर्वक है आप किसी से काम नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं है कि आप उनसे बलपूर्वक काम करवा रहे हो उनको पैसे भी नहीं दे रहे हो तो वो बलात् श्रम हो जाएगा। 24 में लिखा गया है कि 14 साल के बच्चों को है किसी भी तरह के एक जो खतरनाक कारखानों में काम पर नहीं लगा जाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा चौथे नंबर का मूल अधिकार। चौथे नंबर का जो हमारा मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का, कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो चतुर्थ हमारा अधिकार दिया हुआ आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है वो दिया हुआ है। यानी कोई भी व्यक्ति है वो अपने धर्म का पालन करने को स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करने को स्वतंत्र है, किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर है वो नहीं दबाया जाएगा कि आप हैं वो मुसलमान हैं तो आप हिंदू धर्म कर लो या हिंदू हैं तो आप सिख धर्म कर लो, इस तरह का कोई किसी भी तरह के ऊपर दबाव नहीं डालेगा और सभी व्यक्ति अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने हेतु क्या होंगे प्यारे बच्चों? स्वतंत्र होंगे। आप अपना कोई भी धर्म का पालन करो, हमें स्वयं राज्य है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप अपने धर्म को बढ़ाने का प्रचार करो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, चूंकि आपका ये राइट है, ये आपका मूल अधिकार है कि राज्य इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का है वो अधिकार दिया हुआ है। पांचवा जो हमारा अधिकार है वो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा व अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया हुआ है और ये आर्टिकल 29 और अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक किस आधार पर गिना जाएगा? क्या कोई भी व्यक्ति है कि वो मुसलमान है या सिख है या क्रिश्चियन है उनकी संख्या कम है? अल्प और संख्यक, अल्प का मतलब होता है कम और संख्या यानी वह जनसंख्या में कम है, तो क्या किसी भी व्यक्ति को उनकी जनसंख्या कम है उस आधार पर अल्पसंख्यक माना जाए? तो उसका प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति जनसंख्या में कम है उस आधार पर उसको अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। तो फिर आप कहोगे किस आधार पर मानोगे? तो हमारा इसका मानने का आधार है कि या तो उनकी संस्कृति की दृष्टि से वह अल्पसंख्यक है या शिक्षा की दृष्टि से अल्पसंख्यक है, तो उनको हमने क्या किया? अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया कि जिनकी संस्कृति है वो अल्पसंख्यक ही लोग बचे, संस्कृति की दृष्टि से बचे, कल्चरल की दृष्टि से बचे, तो उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा और आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया। अब एक बात यहां पर ये मैंने कहा कि एक जो छठा क्रमांक का हमारा जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार था, क्या था? संपत्ति का अधिकार था।
संपत्ति के अधिकार को मैंने कहा कि 1978 के अंतर्गत है संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया और इस अधिकार को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, इन दोनों में काफी अंतर होता है। मैंने आपको कहा था कि मूल अधिकार व्यक्ति के लिए होते हैं और निदेशक अधिकार है वो किसके लिए होंगे? राज्य के लिए। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, इन दोनों के अंतर्गत विवाद पैदा होने लगा। राज्य ने कहा कि जो नीति निदेशक तत्व है उनको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, उनको करना है, तो कुछ मूल अधिकार ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, उनको रोकने का काम कर रहे थे। जैसे मूल अधिकार कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, ठीक है, संपत्ति रखो। दूसरा क्या है, निदेशक तत्व कह रहा है कि समाज में समानता स्थापित करो, ठीक है, करो। अब दोनों ही बात विरोधी होगी। मेरे पास है तकरीबन 1000 बीघा जमीन है, ठीक है, ये तो मेरा मूल अधिकार में उल्लेख है, संपत्ति का अधिकार। लेकिन दूसरी तरफ राज्य कह रहा है हमें समानता स्थापित करना है, मेरा पड़ोसी उसके पास में 1 बीघा जमीन भी नहीं, तो अब समानता कैसे स्थापित की जाए? तो ये संपत्ति का अधिकार काफी विवादित पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो जमींदार थे, जो जागीरदार थे, जो राजा महाराजा थे, उनके पास से सरकार ने है वो जमीन तय की, उनसे जमीन लेनी शुरू कर दी। तो ऐसी स्थिति में ये जाके कोर्ट में चैलेंज हुआ संपत्ति का अधिकार, और सरकार ने क्या किया, 1978 के अंतर्गत मोरारजी देसाई की सरकार आती है और इसने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया कि संपत्ति का अधिकार है वो समाज में खाई है वो बनाने का काम कर रहा है। अमीर और गरीब के मध्य खाई बहुत ही ज्यादा है, उस खाई को है वो ये भरने का काम नहीं कर रहा, ज्यादा बढ़ावा दे, इसलिए हम इसको है वो समाप्त करते। तो प्यारे बच्चों, जो 6 नंबर का हमारा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो अब हमारे संविधान में नहीं रहा है, उसको क्या कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। तो अब कौन सा है 6ठे स्थान पर? अब जो 6ठे स्थान पर है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है वो दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। यदि देखा जाए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई अनुच्छेद है तो कौन सा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका अनुच्छेद है तो यही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहता है उसको देखिए, इस अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया। अब आपके बाकी वाले यदि अधिकार जैसे समानता का है, स्वतंत्रता का है, इन अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आपको अधिकार दे रहा है कि आप कोर्ट जा सकते हो, आप जुडिशरी जा सकते हो, तो कोर्ट बाकायदा आपको क्या करेगा, आपके साथ है वो न्याय करेगा। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है वो इसका उल्लेख किया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे संविधान की आत्मा तक कहा गया, इसे क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा तक कहा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने कहा कि यह तो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, हृदय इतना महत्वपूर्ण है कि हृदय किस प्रकार व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि हृदय की जब धड़कने बंद हो जाएगी तो आप भगवान को प्यारे हो जाओगे। उसी तरह यहां पर भी यदि जो आर्टिकल 32 यदि निष्क्रिय हो जाएगा तो उसने समझ लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका बिखर गया, कोई काम का नहीं है वो, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। और ये व्यक्ति के लिए मूल अधिकार की सर्वाधिक रक्षा करने वाला सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे बड़ी ढाल है, तो वो आपका अनुच्छेद 32 है। जैसे कि आप बात को समझिए, बात यह है कि आपके साथ है भेदभाव हो रहा, छुआछूत, अस्पृश्यता होती है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि किसी भी के साथ अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं होगा, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा। अस्पृश्यता से क्या मतलब, यानी किसी को छू लिया तो कह दिया आपने अपवित्र हो गया, ये कौन सा आर्टिकल 17 के तहत इसको समाप्त किया गया। अब आपको कोई ऐसा आपके साथ बर्ताव कर रहा है, कई जगह आपको ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपको छूने से हम अपवित्र हो गए, फलाने व्यक्ति को छूने से, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करोगे और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर याचिका दायर करोगे कि साहब हमारे साथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तो अस्पृश्यता का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन हमारे साथ आज भी है वो अस्पृश्यता हो रही। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर, कहां पर, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं वो दायर करोगे, मुकदमा दायर करोगे कि साहब समाज में अभी भी हमारे साथ है वो भेदभाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट है वो आपको न्याय देगी कि यदि अनुच्छेद 17 कह रहा है अस्पृश्यता का अंत है तो फिर कोई व्यक्ति किसी के साथ किस प्रकार से भेदभाव कर सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
तो संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ये हमारा 6 नंबर का जो मूल अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी अधिकार के ऊपर है वो सारी हमारी व्यवस्था टिकी हुई है। यदि ये अधिकार संविधान से हटा दिया जाए तो सारी व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी, सारे मूल अधिकार हैं वो लगभग निष्क्रिय की तरह से हो जाएंगे क्योंकि मूल अधिकारों का फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आएंगे समानता का अधिकार, हमारा महत्वपूर्ण अधिकार है समानता का, संविधान के कहां पर है, भाग 3 में उल्लेखित है। अनुच्छेद कितने से कितने तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, यानी कितने 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत किसका उल्लेख किया हुआ है प्यारे बच्चों, समानता के अधिकार का उल्लेख किया हुआ। समानता का मतलब क्या हुआ कि सभी है वो समान होंगे, क्या होंगे, सभी है वो समान होंगे। आप एक कक्षा 11th के कोई स्टूडेंट है, माना कक्षा 11th के आप छात्र हैं तो आप सभी छात्रों के साथ कक्षा 11th क्लास में बैठे हैं तो सभी के साथ समान रूप से हैं, वो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक छात्र को मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं और दूसरे छात्र के साथ हैं वो कम कर रहा हूं या भेदभाव कर रहा हूं। तो आर्टिकल जो 14 है जिसमें समानता का अधिकार है तो उस समय आपका राइट ये है, आपका अधिकार ये है कि मैं सभी बच्चों को है वो समान रूप से आपको पढ़ाऊं। तब आप एक बात ये करोगे कि साहब कोई कमजोर बच्चा है तो उसकी क्या स्थिति, अच्छा जो कोई कमजोर है तो उस बच्चे को भी आपके समान मुझे लाना है तो उस लेवल पर उसके लिए कुछ अन्य व्यवस्था करूंगा। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रावधान किया हुआ है कि समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे तबके हैं, समाज में कुछ ऐसे वर्ग जो क्या है, जो लंबे समय से क्या है, शोषित है, पीड़ित है, उनको है अवसर नहीं दिया गया, लंबे समय तक उनका शोषण हुआ। जैसे कि एक शब्द चलता है दलित, क्या चलता है, एक दलित शब्द चलता है, या एक शब्द जैसे महिलाएं, महिलाओं को ले लीजिए आप, अब इनका क्या है, महिलाओं को लंबे समय से हमने दबाने का कार्य किया और महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया। पुरुष प्रधान समाज के अंतर्गत महिलाओं का है वो पुरुषों की बराबरी का उनके अधिकार नहीं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आर्टिकल 14 है वो ये कह रहा है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान है वो अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है ये समान दिया जाना चाहिए, लेकिन उसको महिलाओं को पुरुषों के बराबर कैसे लाई जाए। एक क्लास के अंतर्गत 100 विद्यार्थी, उन 100 स्टूडेंट के अंतर्गत महिलाएं हैं, छात्राएं पढ़ने आ रही है, वो तकरीबन छात्राएं तो आ रही है 30 के आसपास। अब मुझे समानता का अधिकार तो ये कहता है कि जितने स्टूडेंट जो छात्र बैठे हैं उनके बराबर छात्राएं भी होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में मुझे कोई विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। विशेष व्यवस्था क्या है, माना कि मैं छात्र से है वो फीस ले रहा हूं 1000 रुपये पर मंथ, तो अब मैं व्यवस्था ये करूंगा कि उन छात्राओं की भी क्लास में मुझे संख्या बढ़ानी है तो उन छात्राओं को फीस के अंतर्गत मैं छूट प्रदान करूं, अन्य कोई फैसिलिटी प्रदान की जाए, आपसे 1000 ले रहा हूं तो उनसे 500 रुपये लेकर उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि क्लासरूम के अंतर्गत छात्र और छात्राओं की संख्या है वो समान हो। इसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान किया गया है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ लंबे समय से शोषण हुआ है तो उनको विशेष आरक्षण जैसी व्यवस्था देकर क्या किया जाए, बच्चों आगे बढ़ाया जाए ताकि समाज में क्या हो, एक रूपता आए, समानता आए। तो समानता का अधिकार कहां पर है, हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में संविधान का जो समानता का अधिकार दिया। इसकी परे लैंग्वेज क्या है उसको आप देखिए, समानता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। समानता का अधिकार क्या करेगा, भेदभाव हो रहा है तो समानता होगी वहां, नहीं होगी, तो जब समानता लानी है तो क्या करना पड़ेगा, भेदभाव को आपको समाप्त करना पड़ेगा। जैसे कि सार्वजनिक स्थल है, कुछ क्या है, कोई दुकान है या कोई होटल है या मनोरंजन के स्थल है या फिर कुआ है या स्नान घाट है या फिर पूजा स्थल मंदिर है, इनमें समानता के आधार पर सभी को प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, कोई महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है या किसी अन्य लोगों को नहीं दिया जा रहा है, तो आप उनके साथ हैं वो भेदभाव नहीं कर सकते। क्या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते या मूल वंश के स्थान पर नहीं कर सकते, आप उस वंश के हैं इसलिए मंदिर में नहीं आ सकते, आप उस जाति के हैं तो उस जाति के आधार पर हैं आप नहीं आ सकते, आप लिंग यानी स्त्री या पुरुष हैं उस आधार पर हैं आप नहीं जा सकते, जन्म स्थान आपका जन्म है वो राजस्थान में हुआ या गुजरात में हुआ पंजाब हरियाणा में कहीं हुआ है इसलिए आप इस सार्वजनिक स्थल पर हैं वो नहीं आ रहे, या कुआ है या स्नान घाट है पूजा स्थल इन पर, तो इन आधारों पर व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव है वो समाप्त करने का काम कौन सा करेगा, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष है सभी को समानता होगी और इसी के तहत इन भेदभावों को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, इसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।
और ये उपयुक्त आधार पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित नहीं करे। अब दूसरे शब्द क्या है, दूसरा जो यहाँ पर एक बात आई कि इनके आधार पर तो आप भेदभाव नहीं कर सकते, दूसरा क्या है, लोक सेवाओं में भी किसी के साथ है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब लोक सेवाओं से आप क्या समझो, लोक सेवा, लोक सेवा का मतलब हुआ कि सरकारी सेवा या अन्य किसी सेक्टर में, लोक सेवा का मतलब हुआ सरकारी सेवा, आप लीजिए सरकारी नौकरी, आप हैं वो टीचर बनना चाहते हैं या पुलिस बनना चाहते हैं या सिविल सेवक हैं अफसर बनना चाहते हैं, तो उस आधार पर हैं आप कुछ भी बन सकते हैं, आप हैं लिंग है जन्म स्थान मूल वंश इन इत्यादि आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या आप हैं वो महिला है इसलिए आप अफसर नहीं बन सकती, या आप जो दलित है या पीड़ित व्यक्ति है शोषित है हरिजन है इसलिए आप टीचर नहीं बनते, तो ये आधार नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि लोक सेवाओं में भी किसी भी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और ये कौन समाप्त करने का काम कर रहा है, ये मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रोविजन जो समानता का आर्टिकल है वो ये काम करेगा, समानता का अधिकार इसको क्या करेगा बच्चों, समाप्त करने का काम करेगा। और ये अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था, ये इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रावधान हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे समाज के अंतर्गत आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा असमानता है, क्या है बहुत ही ज्यादा असमानता है, उस असमानता को समाप्त करना जरूरी है, असमानता को समाप्त करना जरूरी है। आप देखोगे असमानता क्या है, महिलाओं की आज शिक्षा व्यवस्था की देख लो, यदि एक घर के अंतर्गत है वो पांच बच्चे हैं, पांच में से तीन जो लड़के होंगे वो स्कूल जाते होंगे, बच्चियों को है वो स्कूल नहीं भेज रहे हैं, या कम समय में है उनकी शादी कर दी जाती है, तो ये क्या, ये समाज में लंबे समय से उपेक्षित वर्ग रहा, तो समाज में समानता थी ही नहीं, दलित लोग हैं उनको यहाँ तक एवं छूने से भी है वो लोग छूते नहीं ताकि है कि हम अपवित्र नहीं, ये क्या, ये समाज में पहले से इस तरह की एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए आर्टिकल बहुत ही जरूरी है, और इस अनुच्छेद के बिना है वो हम नहीं समाज में समानता स्थापित कर सकते, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, समानता और समानता का जो अनुच्छेद 14 है उसमें लिखा गया है कि विधि के समक्ष समानता होगी, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समक्ष अनुच्छेद 14 में दिया, ठीक। आगे बढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है छुआछूत की प्रथा, छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है, मैंने बताया कि समाज में किसी व्यक्ति को छूना तक है अपवित्र माना गया, तो ये सबसे बुरा जो रूप है वो समाज के अंतर्गत असमानता का रूप है वो छुआछूत है, समानता के समता के अधिकार के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है, और इसी अधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि है वो प्राप्त की है, क्या है उन लोगों को जिन्होंने सेना और शिक्षा के अंतर्गत गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है उन्हें है वो उपाधि दी जाए, बाकी राज्य किसी भी व्यक्ति को है कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कौन कह रहा है, ये समाज में समानता लाने का सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि आप देखोगे पहले के समय में राजा महाराजा है राय बहादुर बड़ी बड़ी तरह की उपमा है वो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, तो इससे क्या है इससे निम्न वर्ग के लोगों में है वो एक असमानता का रूप था कि राय बहादुर और जो खान है खानार बड़े बड़े जो महाराजा धीराज तो इस तरह की जो यूज होती थी शब्दावली उनकी उपाधियां थी उससे समाज में कहीं ना कहीं असमानता व्याप्त थी, तो उसमें प्रावधान किया गया कि जो समाज में है आर्टिकल 18 में कहा गया है कि शिक्षा और सेना के अलावा कोई भी व्यक्ति है वो उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, शिक्षा व सेना, शिक्षा और सेना के अलावा कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, शिक्षा में जैसे डॉक्टर बनते हैं तो शिक्षा के अंतर्गत PhD करेंगे डॉक्टर बनेंगे तो वो शिक्षा के अंतर्गत उपाधि दी, सेना में कर्नल है मेजर है जनरल है जो भी होते हैं तो वो सेना के अंतर्गत हैं वो उपाधियां, तो इनके अलावा किसी भी तरह की उपाधियां नहीं होगी। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का क्या करता है बच्चों, प्रयास करता है जिसमें सभी नागरिकों को सम्मान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त है। अब ये समानता का ये आर्टिकल है जो क्या करेगा समाज के अंतर्गत व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा व गरिमा प्रदान करने का काम करता है, प्रतिष्ठा व गरिमा यानी उसकी समाज में क्या है इज्जत, समाज में इज्जत है उसकी पैठ बनाने का जो काम करता है वो कौन करेगा आर्टिकल है वो हमारा समानता का अधिकार 14 से 18 तक ही करेगा, तो ये समानता का आपका अधिकार है। आगे बढ़िए क्या कह रहा है अनुच्छेद 16 के 4 में क्या दिया वो उसको पढ़िए,
ये काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि समानता के अधिकार से क्या आशय, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा। फिर उसे आगे बढ़कर पूछी जाएगी, जो कि अनुच्छेद इसमें 16 से 18 तक दिए हुए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है वो एक ही अनुच्छेद रखना है, अनुच्छेद 16 का भाग 4 है, उसको ध्यान रखना है, आपके है वो चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए आपसे ये परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि ये समानता लाने की बात करें। अनुच्छेद 16 के भाग 4 में बताया गया है कि कोई भी राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनकी नियुक्तियों एवं पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। इसकी सामान्य भाषा क्या होगी उसको समझिए, इसकी सामान्य लैंग्वेज यह है कि राज्य को लगे कि कोई व्यक्ति है वो पिछड़ा हुआ है और उनका है वो प्रतिनिधित्व भी नहीं है, तो उनकी नियुक्ति और पद में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 16 के भाग 4 के तहत की गई है, कि आरक्षण में जो नियुक्ति और पदावली में भी है वो आरक्षण का प्रावधान किया गया कि उनको नियुक्तियां मिलेगी, उनका जो प्रमोशन होगा उसमें भी आर्टिकल जो 16 के भाग 4 के तहत है वो पदोन्नति में प्रावधान किया गया कि इसके तहत उनको छूट दी जाए, क्योंकि ये राज्य के अधीन सेवाएं जो सिविल सेवा जैसे RAS बनते हैं आपके, तहसीलदार सेवाएं या जो राज्य पुलिस सेवा या इस प्रकार की राजस्व की अन्य सेवाएं टैक्सेज, तो उसमें यदि लगता है सरकार को कोई ऐसा वर्ग है जिनके खास प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको क्या है उनकी नियुक्तियों और प्रमोशन के अंतर्गत भी आरक्षण दिया जाए अनुच्छेद 16 के भाग 4 के तहत। ठीक है, अब क्या है अनुच्छेद 14 आर्टिकल का भाग फर्स्ट, आर्टिकल 14 का भाग फर्स्ट में कहा गया कि विधि के समक्ष समानता होगी, कौन से अनुच्छेद में दी गई है 14 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता बताइए, विधि का मतलब हुआ कानून, विधि का मतलब हुआ कानून, यानी कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान, कोई यदि मुकेश अंबानी पर कोई केस होता है किसी भी तरह का, कोई उसने गलत कृत्य किया और वही गलत कृत्य है वो किसी गरीब व्यक्ति ने किया है, किसी ए नामक व्यक्ति ने वो कार्य किया, तो कानून की दृष्टि में दोनों के सेम प्रावधान है, उसी कानून के तहत दोनों को सजा दी जाएगी, यानी ये क्या हो रहा है बच्चों, ये कानून की दृष्टि में एक समानता स्थापित करने की है, वो काम आ रहा है, उस गरीब व्यक्ति को लग रहा है कि यदि वह भी गलत करेगा तो भी इसी के तहत है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, और अमीर को लग रहा है कि मैं भी कराऊं यदि गरीब व्यक्ति भी करेगा तो भी उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, आर्टिकल जो 14 है वह कानून की दृष्टि में विधि की दृष्टि में संविधान की दृष्टि में सभी वर्गों को क्या करेगा समानता स्थापित करने का काम करेगा, ताकि समाज में है वो समानता है। इसका दूसरा कह रहा है कि कानूनों का सम्मान संरक्षण भी इसी के तहत, अनुच्छेद 14 में ही कहा गया कि कोई भी व्यक्ति है वह कानून का भी समान रूप से संरक्षण है, उसका पालन करने का काम करेगा, चाहे मुकेश अंबानी कर रहा है या कोई ये व्यक्ति जो गरीब है वह भी उसी का समान तरीके से कानून का पालन करेगा, जैसे कि आप गाड़ी चलाने के लिए 18 साल की उम्र और आपका लाइसेंस होना अनिवार्य, आपको गाड़ी चलानी अनिवार्य, अब यदि कानून का सम्मान संरक्षण है आपको उस नियम का पालन करना पड़ेगा, यदि मुकेश अंबानी को भी ये कार्य करना पड़ा है तो आपको लाइसेंस तो चाहिएगा और आपको भी करना है तो भी ये लाइसेंस तो अनिवार्य, तो आप क्या है ये आर्टिकल कह रहे हैं कि आप समान रूप से जो कानून है उनका पालन करें अनुच्छेद 14 के तहत। आगे बढ़िए अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है, ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत, चूंकि 4 आर्टिकल है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म यानी उसका धर्म चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है या चाहे ईसाई है क्रिश्चियन है जैन है बुद्धिस्ट है पारसी है कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कोई व्यक्ति जिसका कोई धर्म उसका मूल वंश है किस वंश से किस गोत्र से आ रहा है या किस जाति से आ रहा है उच्च जाति से आ रहा है निम्न जाति से आ रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या लिंग या स्त्री है या पुरुष है या फिर जन्म स्थान उसका जन्म है वो कहाँ पर होता है उसका जन्म है वो कहाँ पर हो रहा है राजस्थान में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है या आपके राजस्थान में किसी भूभाग में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है नागौर में हो रहा है जोधपुर है पाली है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो संविधान कह रहा है कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म उनका मूल वंश उनकी जाति उनके लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, कहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पर, कहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पर, विद्यालय भी एक सार्वजनिक स्थल है, विद्यालय भी क्या है बच्चों एक सार्वजनिक स्थल है, तो यहां पर इन आधार पर है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपके स्कूल है विद्यालय है वो सार्वजनिक स्थल है, इस विद्यालय में इन आधार कोई धर्म किसी भी धर्म का व्यक्ति है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भेदभाव नहीं कर सकते, वो किस राज्य से जन्म उसका आप कहोगे कि साहब यहाँ पर जोधपुर में आकर पढ़ रहे हैं वो तो दक्षिण भारत का है या पंजाब हरियाणा गुजरात से आ रहा उसके आधार पर आप स्कूल में भेदभाव नहीं कर सकते,
तो क्या है, इनके आधार पर सार्वजनिक स्थलों जिसमें विद्यालय है, सार्वजनिक स्थल, दुकानें, होटलें, कुआ, तालाब, स्नान घाट, जो पूजा स्थल इत्यादि स्थलों पर हैं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा और सभी के साथ क्या है, समानता लाने का काम होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे हमारा जो आया है समानता के अधिकार का भाग तीसरा, इसमें अनुच्छेद 16 है। क्या है बच्चों? अनुच्छेद 16। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? आर्टिकल 16 कह रहा है कि रोजगार में अवसरों की समानता होगी। किसकी होगी? रोजगार में। रोजगार का हो तो सरकारी सेवाओं में आप जा रहे हैं, आपने क्या है सरकारी सेवाओं में जाने का निश्चय किया। सरकारी सेवा चाहे कोई भी सिविल सेवा हो या किसी भी तरह की कोई सेवा हो, चाहे पुलिस सेवा हो या पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, टीचर हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सभी को है वो समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। किसको? ये कहकर नहीं कि आप महिला हैं आप ये भाग नहीं रह सकते, या आप कोई निम्न वर्ग के हैं, कोई दलित हैं, या उस धर्म के हैं, इस आधार पर आपके आप इसमें सिविल सेवा में नहीं जाते, तो ये जो भेदभाव नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 16 कह रहा है कि लोगों को रोजगार की दृष्टि में और लोक सेवाओं में है वो अवसरों की समानता होगी, समान रूप से उनको भी अवसर है कि आप जाकर हैं वो भाग ले सकते। तो ये रोजगार में अवसरों की समानता स्थापित करने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? अनुच्छेद 16 कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अनुच्छेद जो आपका 17 है वो काफी महत्वपूर्ण बात कर रहा है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि समाज में सुआसूत अस्पृश्यता का अंत होगा। क्या होगा? समाज में, क्योंकि हम देखेंगे पहले कि समाज में दलित, शोषित, हरिजन वर्ग और कुछ ऐसे वर्ग था कि उनको गांव की सीमा में रहने ही नहीं दिया जाता था। जहां पर उच्च वर्ग के लोग या अन्य लोग रह रहे हैं उनको रहने भी नहीं दिया जाता था, और उनको यदि किसी भी तरह का उच्च वर्ग के उन लोगों के यदि वो बर्तनों को छू भी लेता तो ऐसा माना गया है कि ये तो अपवित्र हो, इस तरह के वो समाज में धारणा थी। अब इस धारणा को हमें समाप्त करना है तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बाकायदा प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 17 है वो जोड़ा गया। अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 17 कह रहा है कि सुआसूत है वो नहीं होगा, अस्पृश्यताएं का अंत होगा। सुआसूत कहो या अस्पृश्यता कहो, एक ही बात, यानी किसी को छूने के आधार पर पवित्र या अपवित्र है वो अस्पृश्यता या सुआसूत। तो अनुच्छेद 17 के तहत इसको समाप्त किया गया, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म का है, किसी जाति का है, या कोई मूल निवास स्थान है, किसी लिंग का है, किसी भी तरह का है, इसके आधार पर है वो आप उनको है अस्पृश्यता नहीं कर सकते। मुस्लिम धर्म का, हिंदू धर्म का, उस जाति का, फलाने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनुच्छेद 17 के तहत समाज में समानता स्थापित करने हेतु ये काम भी किया गया कि सुआसूत को आप समाप्त करो, क्योंकि भारतीय समाज के अंतर्गत सुआसूत की क्या है, गहरी खाई है, और उसको समाप्त, उसको समानता यदि लानी है, समानता हमें लानी है तो आर्टिकल 17 के तहत इस व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा भेदभाव था। तो अस्पृश्यता आपको नहीं करनी है किसी भी तरह की, और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करना है। आपको ये समझ में आ गई कि समाज में समानता लाने के लिए तो ये जरूरी चीज। आप देखेंगे अनुच्छेद 18 का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया कि उपाधियों का अंत होगा। किसका अंत होगा? उपाधियों का। ठीक है, उपाधियों का अंत कर देते, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्यों करें? वही समाज में आपको समानता रहे। समाज शब्द का अर्थ हुआ, यहां पर बार बार मैं बात कर रहा हूं, समाज, समाज तो राज्य है, देश है, तो वो समाज की बात हो रही। उपाधियों का अंत क्योंकि कोई जो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंड होल्डर, बड़े बड़े जमींदार थे, राजा महाराजा थे या अन्य लोग थे, उच्च वर्ग के थे, तो वे बड़ी बड़ी है वो उपाधियां धारण करते थे। ब्राह्मण है, पंडित है, आचार्य, ये बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। तो ऐसे निम्न जो वर्ग थे उनमें एक असंतोष की भावना थी, कई सब कुछ ये बड़े वर्ग ही हैं, हमारा तो समाज में कोई वजूद ही नहीं और हम सबसे निम्न है, तो उस मनोवृत्ति को समाप्त करना था, समाज में समानता लानी थी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया कि जो सभी प्रकार की जो उपाधियां हैं उनका अंत करो, और उपाधियां आप दो तो उसका आधार रखो कि किसी भी व्यक्ति में क्या गुणवत्ता है, उसमें काबिलियत क्या है, उस काबिलियत के आधार पर। ऐसा नहीं है कि कोई दलित है वह ये उपाधि धारण नहीं कर सकता, दलित आप में काबिलियत है तो आप करो, और आप बड़े से बड़े राय बहादुर, कोई बड़े शासक हो लेकिन आप उपाधि धारण नहीं कर सकते, यदि आप में काबिलियत है तो आप कर सकते हो, कर्नल, मेजर, डॉक्टरेट, कुछ भी बन सकते हो। तो यहाँ पर इसीलिए समाज में समानता स्थापित करने के लिए हमने क्या किया,
समानता स्थापित करने हेतु उपाधियों का अंत किया और दो आधार पर उपाधियां देने का काम किया। किसके आधार पर? दो आधार पर। आपसे कहा जाए कि किन दो आधार पर हैं वो उपाधियां दी जाती, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि शिक्षा और सेना में है, इन दो जगह आपको उपाधियां दी जाएगी। शिक्षा में डॉक्टरेट पीएचडी करते हैं या डॉक्टर जो भी बनते हैं, चिकित्सक डॉक्टर वगैरह वगैरह या अन्य प्रकार के आचार्य होते हैं जो सारे के सारे, वो एक उपाधियां। और सेना के अंतर्गत भी कर्नल है, मेजर है, जनरल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है वगैरह जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इसी को इंगित करती। तो ये समानता का हमारा अधिकार हुआ। वैसे कहां से था समानता, क्या करना है? समाज में समान रूप से सभी को है वो करना है, समानता लानी है, और इसके लिए 14 से 18 तक है वो अनुच्छेद का प्रावधान किया गया। दूसरे मूल अधिकार पर हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा जो हमारा मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का। कौन सा है? स्वतंत्रता का है, उसको देखेंगे। ये आ गया हमारा दूसरा मूल अधिकार। क्या कह रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किस तरह से कार्य करेगा, स्वतंत्र रूप से जीवन है वो किस तरीके से जिए, उसकी क्या क्या स्वतंत्रता हो, उसको बोलने की स्वतंत्रता हो, उसको किसी भी जगह घूमने की स्वतंत्रता हो, वह अबाध रूप से कहीं भी जा सकता है, अबाध रूप से व्यापार कर सकता है, कहीं भी जाकर अपना निवास कर सकता है, यदि उसने कोई भी अपराध भी किया है तो भी दोष सिद्धि से उसको संरक्षण है, जब तक दोष उस पर है आरोपित नहीं होता तब तक उसके उसको अपने है वो अधिकार दिए जाए कि वह अपने वकील करके है वो खुद को छोड़ने का या अपने को है निर्दोष साबित करने का काम करे। व्यक्ति को है वो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण होगा कि व्यक्ति को है आप किसी का प्राण नहीं ले सकते, इस प्रकार का प्रावधान किया गया। व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है लेकिन फिर भी आप हैं वो उसको जीवन को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। यदि राज्य किसी को है वो जीवन नहीं दे सकता, किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता, तो राज्य कौन होता है कि किसी भी व्यक्ति को है वो मारने का काम करे। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार, इस स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है वो भाग तीन में दिया हुआ। भाग तीन में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है वो स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। किसकी होगी? अभिव्यक्ति की। अब आप कहोगे साहब अभिव्यक्ति क्या, उसको भी समझे। अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को आप अभिव्यक्त करना। आप क्लास के अंतर्गत मैंने कहा कि सभी बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो सभी छात्र और छात्राएं मुझे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित विषय से संबंधित जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं उनमें से यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे पूछ सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, आपको अधिकार दिया है स्वतंत्रता का, कि आपको चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे है वो पूछ सकते हैं, वापस आप अभिव्यक्त करके कर सकते हैं कि साहब ये चीज हमारे समझ में नहीं आई, हमें ऐसे पुनः है वो समझाया जाए। तो अभिव्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया गया संविधान के अंतर्गत है कि कोई यदि सरकार आपके साथ गलत कर रही है तो अनुच्छेद 19 जो प्रोविजन कर रहा है, प्रावधान कर रहा है कि आप है वो सरकार के सामने खड़े हो सकते हो, संघ बना सकते हो, सरकार के सामने प्रदर्शन कर सकते हो, हड़ताल वगैरह कर सकते हो, सरकार को चेतावनी दे सकते हो। तो ये आपको हम अधिकार दिया गया है, हमें अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत कि व्यक्ति है वो किसी भी तरह के हैं वाक के लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी भी तरह की बात को प्रेजेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको बोलने की आजादी होगी, आपको घूमने की है किसी भी तरह की आजादी होगी। इसमें प्यारे बच्चों मूलत है वो अभी वर्तमान के अंतर्गत 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं वो उल्लेखित है, 6 तरह की स्वतंत्रताएं उल्लेखित की गई। किसी भी व्यक्ति को है उसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होगी। क्या होगी? बोलने। अब बोलने की स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि आप कोई भी भाषण करो, किसी भी तरह का भाषण कर सकते हो, आप कोई भी सम्मेलन बुला सकते हो, वहां पर आप अपनी बात को रख सकते हो। अब इसका अर्थ ये नहीं है आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने पड़ोसी को है वो गाली देना शुरू कर दो, ये तो नहीं हो सकता। आप कहोगे साहब हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो युक्ति युक्त इस पर भी प्रतिबंध है कि आपको राज्य ने अधिकार दिया है आप बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का है वो उल्लंघन करें, तो ये आपको राइट्स नहीं। तो बोलने की स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, आपको स्वतंत्रता दी गई, सम्मेलन करने की है वो स्वतंत्रता दी गई, सम्मेलन या फिर इसको कहो संघ बनाने की, क्या करने की? संघ, आपने कोई संगठन बना लिया, जैसे आपने स्कूल में बना लिया छात्र संगठन,
छात्र परिषद आपने संगठन बना लिया। क्यों? क्योंकि आप अपने सभी जो विद्यार्थियों का एक संगठन बनाया ताकि स्कूल में आप क्या है कि आपके साथ कोई है कोई गलत बर्ताव नहीं हो, और यदि बर्ताव होता है तो आपका जो संगठन है उसका जो मुखिया होगा वो जाकर ऑफिस तक वो बात को रिप्रेजेंट करेगा, बात को रखेगा कि साहब हमारे साथ ये उल्लंघन हुआ। तो वो संघ बनाने का अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 19 में दिया गया कि यदि सरकारें हमारे विरोध में किसी भी तरह का करती हैं कार्य तो हम संगठन बनाकर सरकार का विरोध करें। जैसे किसान जो संगठन है, किसानों का एक बहुत बड़ा जो समूह है संगठन है, मजदूर यूनियन है, इस तरह के अन्य जो संगठन है वो सरकार जब जब उनके विरोधी किसी तरह का कार्य करती है तो वे उनका मुकाबला करते हैं। तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए करते हैं। फिर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यापार की स्वतंत्रता है। क्या है? व्यापार या वृत्ति, व्यापार कहो या कॉन्स्टिट्यूशन में वृत्ति शब्द है। व्यापार वृत्ति का शब्द ये होगा आजीविका। आप कोई भी काम करना चाहते हो, आपने कह दिया कि साहब मैं तो एक बहुत बड़ा जो होटल रेस्तरा है या कोई दुकान है वो जाकर खोलना चाहता हूँ तमिलनाडु के अंतर्गत, या खोलना चाहता हूँ मैं असम के अंतर्गत या पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 में ये प्रावधान है कि आप कहीं भी जाकर देश के किसी भी भाग में जाकर वहां पर अपने व्यापारिक गतिविधियां वृत्ति आजीविका कर सकते हो, किसी भी तरह का आपके ऊपर है वो प्रतिबंध नहीं होगा। आपको कोई भी व्यक्ति नहीं रोकेगा कि आप यहाँ पर व्यापार है वो क्यों करोगे। तो ये आर्टिकल 19 है जो हमें व्यापार हेतु क्या कर रहा है, हमें स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता होगी। आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता का अर्थ यह हुआ कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर हैं वो स्वतंत्र रूप से अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं। आप गए कि साहब हम जा रहे हैं स्कूल से तरफ से टूर पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? टूर पर हम दिल्ली जाएंगे, आगरा के अंतर्गत लाल किला देखेंगे, हम दक्षिण के अंतर्गत चांद बीवी का मकबरा है वो देखेंगे, फिर झूलती हुई मीनारों को देखेंगे, अलग अलग स्थलों को हैं वो देखने का काम करें, क्योंकि आप हैं वो पर्यटन के ऊपर जा रहे हैं। तो आर्टिकल 19 के तहत आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये कहा गया है कि आपको भ्रमण की स्वतंत्रता है और आप पूर्ण रूप से वहाँ जाकर के अपने आवागमन को कर सकते हो, लेकिन बस शर्त ये होगी कि आप किसी भी तरह को बाधित नहीं करोगे। आप वहाँ जाओ अच्छी तरीके से जाकर अपना भ्रमण कीजिए, देशाटन कीजिए, लेकिन वहाँ जाकर आप संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और यदि हाँ वहाँ पर जैसे कि आप चले गए दिल्ली के लाल किला, आपने जिद की कि नहीं दिल्ली के लाल किले को देखने के बाद हम संसद को जाके देखेंगे, लेकिन वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ जाने से रोका जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 19 में ये व्यवस्था की गई है ताकि व्यक्ति को है सभी तरह की क्या हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो अभिव्यक्ति का अर्थ आप समझ गए होंगे कि बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार वृत्ति की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता। तो ये बेसिक आपके स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 पर आइए, किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार में, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 20 कह रहा है कि अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण होगा। अपराधों की दोष सिद्धि, किसी भी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया, यानी कोई जा रहा था और एक जैसे ये व्यक्ति रमेश जा रहा था और रमेश को है वो महेश ने आकर पिटाई कर दी, बिना फालतू है वो उसको मार दिया या लड़ाई की या किसी भी तरह का अन्य दंगा फसाद करने का कार्य किया, ठीक है ये कर लिया उस व्यक्ति। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या है कि अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण। अब उसको आप जबरदस्त उठा करके जेल में नहीं डाल सको, उसको जेल में आपने डाल दिया तो आप वहीं उसी जेल में पड़े हैं कि आपने कोर्ट के सामने लेकर उसको प्रेजेंट नहीं किया। अब कोर्ट के सामने लेकर आप लेके गए तो फिर भी आपने उसको वकील नहीं करने दिया कि किसी भी तरह की वो अपनी बात ही नहीं रख सकती। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसकी जब तक दोष उस पर साबित न हो तब तक ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह उसको संरक्षण प्रदान करे और उसकी सुरक्षा करे। अब व्यक्ति ने गलत करते किया है, कोई भी तरह का काम किया है, तो राज्य का उत्तरदायित्व होगा आर्टिकल 20 के तहत, उसको 24 घंटे के अंतर्गत है वो आप जाकर कहां पर संबंधित पास के कोर्ट में जाकर उसको पेश करो, कोर्ट में उसकी पेशी करो। कौन से? अनुच्छेद 20 दिया हुआ, इसलिए आपको है वो पुलिस ले जाकर के 24 घंटे के अंतर्गत आपको ले जाकर कोर्ट के सामने पेश करेगी। ये आपका अधिकार जो अनुच्छेद 20 है वो ही रक्षा करने का काम कर रहा है, नहीं तो पुलिस आपको है वो 10-10 पास देने वहां पर कस्टडी में डाल के रख सकते हैं।
तो ये 20 है जो आपकी रक्षा करने का कार्य करेगा। अब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में ले जाकर तो निश्चित समय अवधि में उसकी सुनवाई हो, उसकी चिकित्सा व्यवस्था जैसे की जाए, उसको है वो कोई भी तरह की बीमारी है तो जब तक स्वस्थ न हो तब तक है वो उसे न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जाए। तो इस प्रकार के जो प्रावधान किए गए हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 के अंतर्गत प्रावधान किया है कि जब तक व्यक्ति पर है दोष साबित नहीं होता, अपराध है वो साबित नहीं हो सकता, तब तक है वो सरकार उसको संरक्षण प्रदान करने का कार्य करे। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बात की गई। अनुच्छेद 21 है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण होगा। जीवन जीने का है वो उसको अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी राज्य है उसको प्राण दंड नहीं दे सकती या उसको है वो मार नहीं सकती, या राज्य को लगा कि यार फलाने व्यक्ति को हमारे सामने ज्यादा बोल रहे हैं, एक काम करो इन बच्चों को है वो कुचल दो या मार दो, तो आर्टिकल जो 21 है वो आपकी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने कोई तरह का उल्लंघन नहीं किया है तो आपको है वो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण होगा, आपको दैहिक और जीवन स्वतंत्रता से हाथ नहीं धो सकते। और इसमें कहा गया क्या करें इसकी लैंग्वेज को आप देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है किसको? व्यक्ति को। जीवन और दैहिक, दैहिक का मतलब हुआ देह या शरीर, दैहिक का मतलब हुआ शरीर, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को है वो चोट पहुंचाने का काम नहीं करे। तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इस बात को समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा है। बात यह कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने गलत कृत्य किया है तो आपको जो विधि द्वारा स्थापित है कानून की प्रक्रिया के द्वारा ही उसको प्राण उसकी स्वतंत्रता से हाथ धोना पड़ सकता है। जैसे एक कोई आतंकवादी कसाब करके एक आतंकवादी था, 2008 के अंतर्गत मुंबई महाराष्ट्र में है वो, उन्होंने क्या किया था कि मुंबई के ऊपर ताज होटल पर है वो अटैक करने का काम किया, ताज होटल पर है वो अटैक करने का काम कर रहा है, तो इसलिए ताज होटल पर अटैक किया, वहां हजारों लोग हैं वो मर गए, हजारों लोग हैं वो मर गए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अब कसाब को आप क्या है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का कहोगे साफ अधिकार, चूंकि वो विदेशी था चलो उसका एक अलग बात। अब यहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को पकड़ो, कभी रमेश है उसने क्या किया कि कोई गलत कृत्य किया और समाज के अंतर्गत दंगा फसाद किया या कोई आतंकी कृत्य किया, लोगों को मारने का काम किया, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कानून में प्रक्रिया दी गई है कि उस व्यक्ति ने जो आतंक का कार्य किया है तो उस कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को दंडित करके प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है, उसको फांसी की सजा हो सकती है। तो ये जो आर्टिकल 21 है ये बहुत ही विवादास्पद रहा है। जब जब किसी भी व्यक्ति को फांसी दी गई तब तक बड़े जो मानवाधिकार जैसे संगठन है उन संगठनों ने ये बात उठाई कि किसी भी व्यक्ति को है वो राज्य उसको पैदा नहीं कर सकता, तो राज्य को ये अधिकार नहीं है कि आप उसको मारने का काम करो। तो आर्टिकल 21 की जो बेसिक बात आपकी ये होगी कि किसी भी व्यक्ति को राज्य उसके जीवन और जो देह शरीर की उसे पूर्ण स्वतंत्रता होगी, राज्य उसको दंड नहीं करेगा, और राज्य यदि उसको दंड देना चाहे तो विधि की प्रक्रिया जो कानून की प्रक्रिया है उसका पालन के द्वारा ही उसको शरीर से या प्राणों से उसको हाथ धोना पड़ सकता है यदि उसने गलत कृत्य किया है तो। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता से क्या है रोका नहीं जा सकता, जीवन की स्वतंत्रता को है वो समाप्त नहीं किया जा सकता। इसी अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया बच्चों जो काफी महत्वपूर्ण है, कक्षा 11th के जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट होने के नाते आपको यह समझ होनी जरूरी है। अनुच्छेद 21 के क में, किसमें? अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा के अधिकार का है वो उल्लेख किया गया। शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है वो सूचना का अधिकार भी है। इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार, प्राइवेसी का, इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है वो निजता का अधिकार दिए गए। तो ये दो तीन जो बातें हैं इनको आप थोड़ी से वो जेहन में रखना ताकि काफी महत्वपूर्ण चीजें। अनुच्छेद 21 पर पुनः आइए,
जीवन और दैहिक स्वतंत्रता कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को है उसके प्राणों से है नहीं, उस व्यक्ति को मारने का काम राज्य नहीं करेगा, उसको प्राणों से मुक्ति दिलाने का काम नहीं करेगा जब तक उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है और जब तक विधि यानी जो कानून की प्रक्रियाएं उसको अपनाए बिना राज्य उस व्यक्ति को नहीं मार सकता। तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रोविजन है वो किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार का, यह अनुच्छेद 22 है, क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज को देखिए। अनुच्छेद 22 में कहा गया क्या कह रहा है, निवारक नजरबंदी, व्यक्ति को निवारक नजरबंदी का जो अधिकार दिया गया, निवारक और नजरबंदी ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, निवारक नजरबंदी। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कक्षा 11 का कोई छात्र है, वो छात्र को मैंने क्या कर दिया कि कोई करते ये कि उसने किया है तो मैंने उसको बंदी बनाकर है वो कारागृह में डाल दिया। अब वो वहीं पर बंदी का जीवन है बिता रहा, नज़रबंद कर दिया उसको कि वहाँ से कहीं जा नहीं सकता, किसी से मिल नहीं सकता, अपने किसी भी दोस्त से मिल नहीं सकता, किसी टीचर से मिल नहीं सकता, उसको इस रूम के अंदर मैंने पूर्णतः बंद कर दिया। वैसा का वैसा यहीं पर कोई कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया, उस व्यक्ति को जो पुलिस ने है या राज्य, राज्य का मतलब हुआ कि राज्य की जो पुलिस है वो भी एक राज्य की अथॉरिटी काम कर रही, तो पुलिस ने उठाकर उसको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाल दिया गया, उसको नज़रबंद कर दिया या फिर उसके घर पर उसको नज़रबंद कर दिया कि वह किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल पा रहा और कोई भी समय भी कोई तय नहीं किया गया कि इतनी समय अवधि में उसकी सुनवाई हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था से जो व्यक्ति को नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है वह अनुच्छेद 22 कह रहा है। क्या कह रहे हैं उसकी लैंग्वेज को देखिए कि किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया। किसी व्यक्ति ने को आप पुलिस उस समय उसको गिरफ्तार कर सकती हैं जब उसने क्या किया है, कोई अपराध किया है, कोई गलत कृत्य किया है। पर इसके कुछ एक अपवाद भी है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है। ठीक है, तो क्या है, कोई व्यक्ति ने यदि गलत कार्य अपराध किया है तो आप उसको नजरबंद कर सकते हो। और यदि लगे मुझे कि कोई, मैं कक्षा जो 11th में पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने से पहले मुझे लगा कोई छात्र गैर कानूनी कार्य में लिप्त, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति मुझे पूर्व में ये अंदेशा हो गया कि हाँ ये कुछ कर सकता है, तो कोई राज्य की दृष्टि में लगे कोई गैर कानूनी कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को है वो राज्य क्या कर सकता है, जो विधि द्वारा उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उस व्यक्ति को क्या करेगा, जेल में डाल सकता है, जेल में डाल सकता है। और इसे क्या कहा जाएगा, निवारक निवारक नजरबंदी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा निवारक नजरबंदी क्या है, तो निवारक नजरबंदी का यह आशय हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया है या फिर राज्य को लगे कि वह व्यक्ति है वो कोई गैर कानूनी कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो कानून में वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए जेल कारागृह में डाल दिया जाए तो वह क्या कहलाई जाएगी, निवारक नजरबंदी कहलाई जाएगी। ये अपने आप में आपको है वह 2 नंबर के अंतर्गत सवाल पूछे जाने की गुंजाइश रहती है कि निवारक नजरबंदी को परिभाषित कीजिए, निवारक नजरबंदी। तो निवारक नजरबंदी को यह है कि कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है उसको गिरफ्तार करके या फिर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है तो उस व्यक्ति को जो कानून में जो विधि दी हुई है उसमें कुछ प्रक्रिया का पालन किए बिना उसको कुछ समय के लिए जेल में डाल दो, उसे निवारक नजरबंदी कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपने कोई किया है तो आपको 24 घंटे के अंतर्गत है वो ले जाकर कोर्ट में पेश करना जरूरी है, लेकिन निवारक नजरबंदी के तहत ये है, लगता है मुझे कि ये सामान्य स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको 24 घंटे तक नहीं ले जाया जा सकता, तो निवारक नजरबंदी के तहत उसको नजरबंद किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था व शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे क्या कर सकते हैं, बंदी बना सकती हैं। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम कितने महीने के लिए होगी, अधिकतम है वो 3 महीने 90 दिनों तक व्यक्ति को है वो सरकार बंद करके रख सकती है, 90 दिनों तक उसको निवारक रख सकती है, 90 दिन तक यानी 3 माह तक है उस व्यक्ति को बंदी बनाकर रख सकती है। और 3 महीने के बाद में इस मामले की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड बना जाएगा और वह सलाहकार बोर्ड तय करेगा कि हाँ अब स्थिति सामान्य है तो इसको कोर्ट के अंतर्गत पेश किया जा सकता है, कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो ये निवारक जो नजरबंदी है
वो एक इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि आप राज्य को लगता है कोई व्यक्ति अपराध किया है या अपराध कर सकता है तो ऐसी स्थिति में उसको कुछ समय के लिए कानूनी सलाखों में डाला जा सकता है, निवारक नजरबंदी कहलाई जाएगी। और निवारक जो नजरबंदी है वो अधिकतम 3 माह के लिए होगी, यानी 90 दिन के लिए होगी। और उसके बाद में यदि उसको लगता है सरकार को, तो एक सलाहकार बोर्ड बैठा जाएगा और वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि हाँ इसकी बढ़ानी है या फिर इसको फ्री करना है, तो वो आर्टिकल 22 के तहत होगा। अब इसमें एक और जी लैंग्वेज है उसको देख लीजिए। 22 में कहा गया कि आरोपी या अभियुक्त के अधिकार हमारे संविधान में इसका प्रावधान करती हैं और उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिले जिनों पर विभिन्न प्रकार का अपराध हो। आरोपी या अभियुक्त, कोई भी व्यक्ति गलत कार्य किया तो उसको सीधे ही हम उसको आरोप उसको है वो अपराधी नहीं ठहरा सकते। क्या कहेंगे उसको? कहेंगे कि भाई उस पर आरोप है, या उसको अभियुक्त कहा जाएगा। तो अभियुक्त है उन पर आरोप लगाए तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि उस व्यक्ति की है वो सुरक्षा का दायित्व होगा, वो किसका होगा? राज्य का होगा। हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर किसी भी अपराध का आरोप लगता है तो वह दोषी हो जाते हैं। हम सामान्य कहते हैं कि आपने ये दोष किया है, आपका ये दोष है, जबकि उस पर आरोप लगाए आज तक दोष सिद्ध नहीं हुआ। हम सामान्यतः क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को सीधा ही दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन एक जो कानून की दृष्टि में लंबी प्रक्रिया का पालन होने के बाद में ही उस पर जो आरोप लगाए उस आरोप को दोषी सिद्ध किया जाता है, तब वह दोषी माना जाएगा, अन्यथा नहीं। और ये काम कौन करेगा? ये कोर्ट का काम होगा, न्यायालय का काम होगा। लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसको दोषी नहीं माना जा सकता। और ये भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए और न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। यानी क्या है? कोई अभियुक्त है, कोई अभियुक्त है, या फिर कहेंगे कोई आरोपी है, कोई क्या है? आरोपी है। तो उसको तब तक हम दोषी नहीं कहेंगे, तब तक हम उसको दोषी नहीं कहेंगे जब तक है वो न्यायालय उस पर है वो दोष को सिद्ध नहीं करे। जब तक न्यायालय कोर्ट है वो उसको दोषी है वो ठहराने का काम करे, उसको अपराधी ठहराने का काम करे, तो ये तब तक नहीं कर सकता जब तक कि न्यायालय उसको बचाने का कार्य नहीं करे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, किसी व्यक्ति का नाम है रमेश पर यह आरोप लगा है, ठीक है, रमेश पर यह आरोप लगाए हैं कि उसने किसी की है वो मारपीट की। अब रमेश ने मारपीट की है तो रमेश को क्या है कि अपना वकील रखकर अपना पक्ष रखने की है, वो इसे आर्टिकल 22 के तहत छूट देगी कि वह अपना वकील रखकर कम से कम अपने खुद को बचाने का है वो कार्य करे, ताकि क्या है व्यक्ति अपने आप को है वो बचाव कर सके। तो ये आर्टिकल 22 है जो क्या है किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से बचाव का कार्य करेगा। इसके लिए है वो 3 तरह के अधिकारों की है वो व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सके। अनुच्छेद 22 की ही बात है। क्या बात है? कि कोई व्यक्ति ने गलत करते किया, कोई अपराध किया, तो उसे एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा उसको सजा नहीं मिल सकती। ये किसके तहत? अनुच्छेद 22 के तहत। एक बात। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात यह कह रहा है कि कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराधी घोषित नहीं कर सकते। जैसे कि आपने किसी के साथ मारपीट का या धोखाधड़ी का कार्य किया है या कोई गंभीर श्रेणी का अपराध किया है, अपराध आपने किया है 25 तारीख को और मैं कानून कब लेके आया हूँ और सरकार ने कानून पारित किया है वो 27 तारीख को किया, कब किया है? 27 को, और अपराध आपने किया है 25 तारीख को, 25 तारीख को आपने अपराध कर लिया और 27 तारीख को क्या है सरकार कोई कानून लाई कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ मारपीट करेगा तो उसको है वो क्या होगी 6 महीने की है या 1 साल की है वो सजा होगी, 1 साल की क्या होगी बच्चों? सजा हो जाएगी, ठीक है। ये कब कह रही है? ये कह रही है सरकार 27 तारीख को, जबकि वह आपने अपराध कब कर लिया है? अपराध आपने 26 को कर लिया। तो अनुच्छेद 22 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को पिछली तारीख से उस व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा।
आपने ये गलत कृत्य किया है, तो आपको यदि 24 तारीख का जो कानून था उसके तहत या 25 तारीख को आपने 12 बजे अपराध किया है, तो 11 बजे या 11:59 पर जो कानून लागू था उसके तहत ही सजा होगी, उसके तहत ही आपको सजा होगी, बाद के कानून से नहीं हो सकती या उससे पहले के कानून है उससे नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 22 के अंतर्गत कहा गया है निवारक नजरबंदी की, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है उसको अपने विरुद्ध है वो साक्ष्य नहीं देने के लिए बाध्य किया जाएगा। जैसे रमेश ने किसी के साथ मारपीट की तो वो खुद नहीं कहेगा कि हमने है उनके साथ मारपीट की, खुद अपने विरुद्ध में साक्ष्य देने का नहीं कार्य करे। तो ये अनुच्छेद जो 22 है उसमें ये तीन तरह की व्यवस्था की गई, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं होगी, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से घोषित अपराधी घोषित नहीं कर सकता, और कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध है वो साक्ष्य देने के लिए बाधित नहीं करेगा। तो हमने देखा मूल तो दो मूल अधिकारों को पढ़ने की कोशिश की, एक समानता की यानी समाज में समानता स्थापित करनी है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उसका प्रावधान किया गया है, और जो दूसरा हमने देखा स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जिसमें व्यक्ति को अलग अलग तरह की स्वतंत्रता है। मुझे उम्मीद है, मेरी अपेक्षा है कि आप लोगों को ये मूल अधिकार हैं वो समझ में आए होंगे और शेष होंगे वो हमारी अगली क्लास में होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।